दोस्तों ये खबर आप सभी के लिए है जो कि संडे सेल से खरीदारी करते थे हर हफ्ते। और आपको बता दूं कि सेक्टर 12 में जो संडे सेल लगती थी वो अब सेक्टर 4 के रामलीला ग्राउंड में लगनी शुरू हो चुकी है। हालांकि अब दूसरी बार लगी है हफ्ते में, ये पहले संडे भी लग चुकी है और अब ये दूसरी बार है। आप सभी के लिए ये खबर है क्योंकि कुछ लोग संडे सेल से हमेशा ख़रीदारी करते थे, चाहे कपड़े हो, चाहे फिर जूते हो या फिर अन्य घर का सामान हो, वो लेने के लिए लोग पहुंचते थे। और काफ़ी लोगों को अभी तक पता नहीं है कि संडे सेल शिफ्ट हो चुकी है और कहाँ लगनी शुरू हो चुकी है। आप सभी को बता दूं कि ये अब सेक्टर 4 के रामलीला ग्राउंड में लगनी शुरू हो चुकी है। और कुछ लोग हैं दुकानदार, उनसे एक बार बातचीत करते हैं। अच्छा, तो यहाँ भी टाइम लगेगा, 3-4 महीने। आ रहे हैं ग्राहक, आ रहे हैं। वहाँ थी वो यहाँ पर नहीं है, नहीं अभी फिलहाल नहीं है, टाइम लगेगा। ग्राहक अभी नहीं, अभी है नहीं ग्राहक, इंतजार करना पड़ता है ग्राहकों का। जी इंतजार करना पड़ता है, अभी लोगों को पता भी नहीं होगा यहाँ लगने शुरू हुई है, लगी है कि नहीं लगा। अभी तो कुछ थोड़े लोगों को पता है, हाँ ये वो तो है नहीं, अखबार में निकलवा दिया, अभी हमने संडे बाजार 4 सेक्टर में जाएगा, वो तो बात होगी। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि दुकानदारों का कहना है कि अभी तक लोगों को पता नहीं लगा है कि संडे सेल सेक्टर 4 के रामलीला ग्राउंड में शिफ्ट हो चुके और यहां लगनी शुरू हो चुकी है। और आप सभी के लिए वीडियो लेकर आए हैं, जो लोग संडे सेल से ख़रीदारी करते थे उन सभी को बताने चाहेंगे कि सेक्टर 12 की संडे सेल अब सेक्टर 4 के रामलीला ग्राउंड में लगनी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आप आ सकते हैं, ख़रीदारी कर सकते हैं। और हालाँकि ग्राहक यहाँ पर कम आ रहे हैं, लोगों का कहना है, जो दुकानदार दुकानें लगाते हैं उनका कहना है कि कुछ लोगों को अभी तक पता नहीं है कि संडे सेल कहाँ शिफ्ट हो गई है। सेक्टर 4 में संडे सेल अब शिफ्ट हो चुकी है, यहाँ से आप आकर ख़रीदारी कर सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, घर का अन्य सामान खरीद सकते हैं। हालाँकि कुछ लोग यहाँ पर आ भी रहे हैं परंतु बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पर लोग आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं सेक्टर 4 संडे सेल से। लोगों को जानकारी नहीं है अभी इस बारे में कि शिफ्ट हो गया बाजार। हाँ जी, हाँ जी, वो जानकारी नहीं है। वहाँ तो ग्राहक पहुँच जाते थे, यहाँ इंतजार करना पड़ता होगा। इंतजार बोनी नहीं करी अभी तक, सवेरी ही हमने तो काम ही नहीं है। अच्छा, बोनी भी नहीं करी है। तो कुछ कहना चाहेंगे लोगों से कि बाजार शिफ्ट हो गया है? हाँ जी, बाजार शिफ्ट हो गया, भी लोगों को यहाँ आना चाहिए देख के। सेक्टर 4 रामलीला ग्राउंड, सेक्टर 4 लगता है जो काम 20-25 सालों से वहाँ कर रहे थे, अब एक अचानक से यहाँ शिफ्ट हो गया। हाँ जी, हाँ यहाँ ऐसा मतलब लोगों को पता लगेगा, काम शुरू होगा जी।